मैं हूं उमेश। मैं हूं, पहचानो कौन है उमेश? पहचान लिया गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है ना, वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। हम क्या करने वाले हैं? लाइव चोरी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा टीम मेंबर है किशोर, वो अभी गया हुआ है घर पर, और हम क्या करने वाले हैं, जाएंगे उसके घर और चोरी करने वाले हैं। अभी अभी उसकी न्यू शादी हुई है तो गहने वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके साथ में होगा चोरी का प्रैंक। तो चलिए, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको एक बार टाइम बता देता हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। लाइव टाइम है दोस्तों आपके सामने। हे श्री, हे श्री, व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:38 AM। यहाँ पे आप देख सकते हो 12:38 हो चुके हैं और हम क्या करने वाले हैं, उसके घर पे चोरी करने वाले हैं। यानी कि एक तरीके का प्रैंक होगा, लेकिन काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला प्रैंक। भाई साहब सभी तैयार हो? तैयार। तो मैं आपको हमारे नाम बता देता हूँ। मैं हूँ और ये है डेनवर, ये रियो, ये टोकियो। तो चलिए गाइस चलते हैं, अब खतरनाक होने वाला है ये वाला चैलेंज। गाड़ी तो लेके आओ, चोरी ऐसे करेंगे क्या? गाइस सर्दी काफी ज्यादा है और कसम से बोल रहा हूँ, कोई भी है ना हमारे को पहचान नहीं सकता। खुद जो किशोर है वो भी पहचान नहीं सकता, और मैंने मेरी खुद की आवाज के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है आवाज चेंज करने में, तो आपको भी मेरी आवाज काफी ज्यादा अलग लग रही होगी। आ जाओ आ जाओ। तो अब हम पहुंचने वाले हैं रम किशोर के घर। तो टोकियो जाने मन, तू है ना गाड़ी को घुमा के लगाना, ठीक है? और रियो तू पूरा पूरा ध्यान रखना, बिल्कुल उसको पता नहीं चलना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नंद किशोर को कि हम उसी के टीम मेंबर हैं। इतना धीरे 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 गाइस, वो रहा उसका सामने घर। गाड़ी घुमा ले घुमा ले, टोकियो गाड़ी घुमा, गाड़ी ज्यादा आवाज आ रही है गाड़ी की, धीरे फाटक फाटक, धीरे बंद करो, धीरे धीरे बंद करो, धीरे बंद करो इसको, तुम तो चोरी करना है वो कहीं तो घूमने नहीं आए, घूमने चुप। धीरे वो रहा किशोर का घर, और अब हम जाने वाले हैं उसके घर के अंदर। सब ध्यान से चलना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आओ गाइस, हम वीडियो के लिए ज्यादा इक्विपमेंट यूज में नहीं ले रहे हैं, जो ये वीडियो है वो दोस्तों मेरा आईफोन से बन रही है, और बाकी देख लीजिए कैमरा वगैरह हम ज़्यादा यूज नहीं ले रहे, बाकी उनको शक हो जाएगा। आ जाओ वीडियो डेवलपर टोपी लगा हुआ है, वीडियो खा के मोटा हो गया, टोपी देख चढ़ ही नहीं पा रहा। अरे कैमरा मैन को तो पकड़, बंदी टूट जाएगा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब तैयार हो? रस्सी लेके आ गए टोकियो। तो गाइस टोकियो रस्सी लेके आ चुकी है, मुंह के अंदर डालने के लिए कुछ लेके आया डेनवर? ओके ओके, ये लेके आ गया वो। ये तो ग्लव्स है, कोई ना डाल दे, और उसको डालने के लिए कपड़ा तो लेके नहीं आया कोई, सो यहां पे कुछ कपड़ा होगा, ये वहां पे पड़े आ गया, पता नहीं चलना चाहिए उनको बिल्कुल भी। तो
जो उसका घर है वो ये रहा, दोस्तों किशोर का घर ये है। गाइस पूरा का पूरा काम उल्टा हो चुका है, जो मतलब कि अंदर है ना उसके साथ में शायद उसका भाई है, वो भी सो रहा है लेकिन अभी तक वो जगह नहीं है। भाई साहब देखते हैं क्या होता है। चोरी करने में परेशानी होगी, इसको पियाना पूरा अच्छी तरीके से बांध देते हैं, सबसे अच्छा होगा। रस्सी हो लेकर आए तुम? कोई नहीं लेकर आया। तो पूरा कैसे करेंगे, जब जाएगा अभी मुझे बताने वाला नहीं है।
सर ये नहीं है इसकी चाबी, दूसरी ढूंढो। Thank you.
पूरा रूम ढूंढो, पूरा रूम सारे के सारे पूरा रूम ढूंढो, मुझे जा रहा है यहाँ से, फटाफट से पूरा रूम खाली कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये कुछ काम के नहीं, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो पासबुक वगैरह निकलते यहाँ से, निकलो प्रोफेसर, निकलते यहाँ से, रुको 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 रुको, बॉम्बिंग बहुत जरूरत है, इसे नहीं जा सकते, तो गाइस इस वाले प्रैंक को हमने इस तरीके से किया कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला है। भाई साहब हालत हमारी ख़राब हो गई, लेकिन अभी है ना किशोर के मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा हुआ है तो वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है, और 100% है जब हम उसको छोड़ के जाएंगे तो जो उसके पास में उसका भाई सो रहा है उसको वो उठा देगा और हम पकड़े जा सकते हैं। कोई हम सोच रहे हैं कोई अच्छी सी प्लानिंग और फिर जाते हैं यहाँ से। अब रिक्स है यार, काफ़ी ज़्यादा रिक्स, अभी तो वो हमारे को नहीं पहचाना है लेकिन वो उसके भाई को उठा सकता है। और गाइस अब जो कुछ भी अंदर होगा ना उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए एक सीक्रेट कैमरा लगा देंगे वहाँ पर, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है, बाकी अभी तक पता नहीं चला उनको। और दिल खुश हो गया इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं पता। चुपचाप है, अब सारा सामान मेरा चोरी हो चुका है। छोड़ दो, निकलते निकलते यहाँ से, ये लेके चल, ये लेके चल, निकलो। कैमरा पकड़, जल्दी भागो, निकल, चल आ जा, गाड़ी में बैठ जा, ओए सक्सेसफुल सक्सेसफुल, निकल यहां से, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, अरे इसको पीछे पकड़ो पहले। ओ भाई साहब चोरी हो गई सक्सेसफुल। तो गाइस वहां से निकल चुके हैं और जो किशोर के रिएक्शन है ना वो आपको GoPro के शूट में आपको दिखाई देंगे।
रुकी अपने घर में जल्दी खोल तू जल्दी खोल यार जल्दी खोल जल्दी कौन गाड़ी चकले फटाफट गाड़ी चकले फटाफट पता नहीं कौन है चार पांच जने थे मेरे को तो मैंने जैसे गेट खोला मेरे को यहाँ पर बांध के घुरा दिया वो बड़ी वो हाल मारे वो गेट की चाबी भी है फटाफट ले गेट की चाबी ले फटाफट दिखा दिखा पीछे गाड़ी आ रही है पीछे गाइस गाड़ी आ रही है छूट दे ओ भाई साहब आ रहे वो सोना दिख रहा है भाई बात तो बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है वो देखो गाड़ी की लाइट दिख रही होगी गाइस पीछे गाड़ी आ रही है यार पीछे रह गए गाइस काफी ज्यादा दूर रह गया हमारी गाड़ी को तो वो पकड़ ही नहीं पाया काफी ज्यादा दूर है वो धीरे कर ले गाड़ी ड्रोन उड़ाओ रिएक्शन देखते हैं उनका मेरे को यहाँ पे उतार दो मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ उड़ा लेगा ड्रोन हाँ मेरे को यहाँ पे अरे उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए ठीक है ना जल्दी जल्दी उतार मोटे को पास से पीछे बैग ले लूंगा अरे वो आ जाएंगे जल्दी निकलो यहाँ से गाइस मोटे को हमने उतार दिया है और 100% है उसको पता नहीं चला होगा क्योंकि हमने गाड़ी को इतना ज्यादा तेज भगाया काफी ज्यादा हम आगे आ गए थे ओ भाई साहब मोड़ देखियो कितना खतरनाक मोड़ है भगाओ गाइस पूरी रात तो उसकी हालत खराब होने वाली है बाकी हम सोच रहे हैं कि अभी हम घर चले जाएं और उसको सुबह बता देंगे और देखेंगे कि उसका कैसा रिएक्शन होगा भाई साहब पीछे देखना ध्यान रख उड़ो गाइस वो आ चुका है वो टक्कर ना देख ले भगा अपनी धन्नो को डोकियो भगा ओ भाई साहब भाई बिल्कुल है ना असली वाली फीलिंग आ रही है जैसे सच में हम चोरी करके भाग रहे हो वैसी वाली फीलिंग गैंगस्टर टाइप अभी पुलिस वाले मिल गए आ गए भाई साहब इसके अंदर पीछे देख कितना दूर है ओ भाई साहब बिल्कुल पास आ रहे हैं अभी आ गए गाइस चल के सीधा वापस सीधा यार तो बस वापस जाएगा ना अरे उसको पूरा घुमा देंगे उसको गाइस पता नहीं मोटर ड्रोन से किस तरीके से शूट ले रहा होगा बाकी देख लो गाड़ियों को भगा रहे हैं अभी नाइट के अंदर और जो उसका भाई है ना शायद वो चला रहा है गाड़ी और वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक हमारा भाई वो पुलिस वगैरह को फोन ना करते और सीधा अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया होगा ना आगे खड़ी हो जाएगी पुलिस तो और बुरी तरीके से मारेगी हमारे को भाड़ वगैरह प्रैंक वगैरह कितना दूर है पास में ही है क्या ये तो अच्छा हुआ उसका भाई है इसलिए उसको नंबर पता नहीं चल रहा है गाड़ी के अच्छा उसका भाई है गाइस उसका भाई है तो उसको नंबर तो पता नहीं है लेकिन अब है ना आगे से आगे फोन होने वाला है यानी कि वो फोन करने वाला है और अब है ये मेन गांव तो यहाँ से तो मुझे बाहर निकलना होगा वरना अगर यहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ही ज्यादा मतलब की हमारे तो फिर थप्पड़ लगाने वाले है और फिर बोलने वाले है कि ऐसा मजाक कौन करता है देख लो पूरा गांव वाला एरिया भगा गाड़ी स्पीड में भाई साहब और गाइस जो ड्रोन के शॉट है वो भी आप देख पा रहे होंगे कैसे होंगे हमें कुछ भी नहीं पता है ओ भाई साहब ओए गाड़ी ओ भाई ओए ये क्या है रुक भाई
पागल हो गया तुम भैंस निको क्या यार ऐसा कोई मजा कर रही है यार यार भी अब प्रैंक था प्रैंक इतनी सर्दी में ऐसे भाग रहा हूँ मैं भाई 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 कंट्रोल कंट्रोल अरे यार ऐसा कोई प्रैंक कर दिया मेरे हाथों के लिए अरे मेरा हाथों तेरे पे अरे भाई यार अरे भाई प्रैंक था भाई अरे प्रैंक था भाई मैं सबके तेरे भाई को सब ओए छोड़ 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 मजाक कर रहे क्या हो गया मजाक कर रहे थे देखो गाइस मजाक में मेरी क्या हालत कर दी इन लोगों ने मतलब की शेर को पकड़ा भूख के ऊपर से नजर डाली भूख के अंदर कपड़ा ठूस दिया था कुछ भी पता नहीं चल रहा था मेरे को बस आवाज आ रही थी पहचान नहीं पाया ये कौन है ये देखो ये कपड़ा देखिए इसका बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहा है ओ भाई साहब आज तो सर जुड़ा रही ये क्या कर रहे मैं तो सोच रहा था और यहाँ पे देखो भाई पूरी सड़क बंद कर दी इसने इतने बड़े बड़े कांटे लगा दिए यार सड़क के ऊपर आ गए यार हाँ सच्ची में आ गए रास्ता ब्लॉक कर दिया मैंने यहाँ से उठाए अच्छा रास्ता पूरा ब्लॉक रास्ता कोई नहीं जा सकता मुझे क्या तभी तो हमने सोचा गाड़ी हम ले जाए क्या रास्ते यहाँ पे देख लीजिए जो पूरी सड़क है ना वो तो इसने ब्लॉक कर दी इतने बड़े बड़े कांटे डाल के देखिए कितने बड़े बड़े कांटे हैं ओ भाई एक बारी में पंचर चांस ही नहीं है गाड़ी बच जाए इसके ऊपर जाके हटा दो इसको अभी कोई आम पब्लिक के पंचर कराओगे तुम मेरे हाथों से तो गाइस हमने तो सोचा कि इसको है ना सुबह बताएंगे कि हमने चोरी की है लेकिन इसने तो अभी पता लगा लिया मजा तो फुल आया यार एक नंबर मजा आया भाई साहब यही था पूरे सीक्रेट सामने आ गए तू तेरी अलमारी में क्या क्या रखता है सारे सीक्रेट सामने आ गए टोटल सीक्रेट सामने अब बताऊंगा नहीं मैं वीडियो देख लेना तो गाइस जो ये प्रैंक था ना वो यार खतरनाक हुआ भाई वहां पर जब हम गए थे ना तब जो रिएक्शन हमारे को देखने को मिल रहा था वो था पूरा का पूरा एक नंबर और किशोर को है ना वहां पर तो पता नहीं चला लेकिन ये इसके गांव के सारे रास्ते जानता है इसीलिए ये हमारे से पहले आके यहाँ पे इसने कांटे लगा दिए थे और इसलिए हम पकड़ में आ गए वरना हम एक बार हाईवे पे चढ़ जाते हैं तो इसके तो पकड़ में नहीं आते बिल्कुल भी नहीं आते मेरे को पता था ना तुम लोग यहीं से आओगे वापस घूम के रास्ता तो यही है हाईवे से जाने का तभी तो और बाकी तो हम ना तेरे को सुबह बताने वाले थे तब तक तो थे पूरी की पूरी वीडियो शूट होती गोप्रो से वहां पे वो लगा हुआ था तेरे को पता भी नहीं होगा कहां लगा रखा था अंदर लगा हुआ था ना रूम के अंदर कैमरा जाके देखा क्या क्या डाल रखा था मेरे मुंह के अंदर तो गाइस वीडियो कैसी लगी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है वीडियो का आपको करना लाइक चैनल बने हो तो करना चैनल को सब्सक्राइब हम मिलते हैं आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और गाइस ये केवल एक प्रैंक था मजाक था और कोई चोरी वोरी नहीं थी गाइस ये ना एक प्रैंक था क्या ठीक है ना कोई भी सीरियस नहीं लेगा ठीक है गाइस